मेरे प्यारे हजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। मेरे अब्बू का नाम है फरकान शेख, सुल्तान शेख फरकान शेख। और मेरी अम्मी का नाम है लुबना शेख। ठीक। मेरा नाम है सायरा शेख और मैं चिलिंगम जमात से हूँ। कहाँ से? चिलिंगम जमात से। हजूर, मेरा पहला सवाल है, आपकी बेटियाँ जब छोटी थीं तो आप से डरती थी या अपनी अम्मी से? डरती थी। आप से ज्यादा डरती थी या अम्मी से? मुझसे तो बिल्कुल नहीं डरती थी। ये मेरी बेटी बैठी हुई है, इससे पूछ लो। मुझसे बहुत बेतकल्लुफ हुआ करती थी, हर बात कर दिया करती थी, अपने जो शेर बनाया करती थी वो भी मुझे सुनाया करती थी, और पहेलियाँ का डाल अपना मैं इनके साथ खेला करता था, लतीफे बनाया करता था। जो एक मैंने इनके साथ मशवरा रखा था वो ये था कि मैं बाद बाजार से मिठाई ला के अपनी जो पेंट्री होती थी वहाँ ऊपर किसी जगह छुपा दिया करता था, और कभी किसी जगह कभी किसी जगह बदल बदल के। तो इनसे पूछा करता था मैं शौकी से और फैज़ा से कि आज कौन सी मिठाई आप पसंद करेंगी। तो एक मसल कह रही थी लड्डू, तो मैं लड्डू भी लेके आया होता था। उसने शौकी ने कह दिया बर्फ़ी, तो मैं बर्फ़ी भी लेके आया होता था। तो मैं कहता था आप बताएं लड्डू कहाँ से निकाल के दूँ। तो मैं गौर करता था दिमाग में कि फलां जगह क्या है ये, और मेरी तवज्जो का असर यह था कि ये बिल्कुल वही जगह बताती थी कि मुझे लड्डू वहाँ से निकाल के दें। और शौकी से पूछता था बर्फ़ी कहाँ से निकालूँ। तो उस दफ़ा भी मैं अपने दिमागी तवज्जो से कहता था कि फलां जगह बताए, और हर दफ़ा ठीक निकलता था। क्यों भाई, याद है ना, वहीं से लड्डू और वहीं से बर्फ़ी निकलते थे। और फायज़ा शेर भी कहती थी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटी थी अभी। एक इसने शेर बनाया था, एक बार मैंने सोचा और सोचते सोचते देर मुझको हो गई कि काला कैसा होता है। इस शेर को शौकी ने सफ़ेद दीवार पे काले कोयले से लिख दिया था। काला कैसा होता का जवाब भी आ गया बीच में। अच्छा जी, कौन किसका सवाल था ये?